24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। कांग्रेस व जेडीएस के 14 बागी विधायकों के इस्तीफे में 14 महीने पुरानी एचडी कुमार स्वामी की सरकार बहुमत परीक्षण में फेल होने से सत्ता से बाहर हो गई। करीब एक महीने से कर्नाटक की सरकार में हलचल के बाद 4 दिनों तक विश्वास मत पर बहस होने पर मतदान कराया गया। स्पीकर के आर रमेश कुमार ने वोटिंग के लिए 6 बजे का समय रखा था। लगभग 7 बजे मुख्यमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ने विधायकों को खड़ा कर सत्ता और विपक्ष के नंबरों की काउंटिंग शुरू कर दी। विधायकों को अलग अलग जगह खड़ा कर अधिकारियों से उनकी काउंटिंग कराई। इसके बाद स्पीकर ने विश्वास प्रस्ताव गिरने का ऐलान किया। कुमार स्वामी के पक्ष में 99 और विपक्ष में 105 मत मिले। वहीं सदन के एकमात्र बसपा विधायक एन महेश को पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सरकार के पक्ष में वोट देने को कहा था, लेकिन वो भी नदारद रहे। इस पर पार्टी से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद रात में ही राज्यपाल वजूभाई वाला को इस्तीफा दिया था। वहीं कर्नाटक में सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार को अस्थिर करना चाहती थी। 1-2 विधायकों को खरीदा जाता तो समस्या नहीं थी, 25 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ कहां से आ रहे हैं? बागियों को अयोग्य कर दिया जाएगा, उनकी राजनीति समाधि बनेगी। दूसरा बयान कांग्रेस नेता एचके पाटिल ने दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक ने हमें धोखा दिया, इसलिए हम हारे। ये विभिन्न चीजों के प्रभाव में आ गए। मुझे भरोसा है कि कर्नाटक के लोग धोखे को नहीं सहेंगे। सरकार गिरने पर दैनिक जागरण में प्रशांत मिश्रा का वो लेख काफी कुछ कहता है। ये तो स्पष्ट था कि शुरू से ही कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट जनादेश न देकर बहुत बड़ी भूल की थी, जिसका खामियाजा उसे स्वतः भुगतना पड़ा। ये सोचना जरूरी नहीं कि 14 महीने चली सरकार ने यहाँ तक पहुँचने में कितना समझौता किया होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा अब खत्म हो गया? अभी इस ड्रामे का सिर्फ एक पार्ट खत्म हुआ है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा आगे की राजनीति किस करवट बैठती है। क्या भाजपा नेता वीएस येदुरप्पा आखिरी पारी खेल पाएंगे? गेंद राज्यपाल के पाले में है और काफी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जानी है। अब इतना तो तय है कि कर्नाटक में जो कुछ हुआ वो इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होगा। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे लाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।